यो गाइस, मैं हूं अबू सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो फिलहाल आपके सामने मैकपाई है और ये सारी पुरानी फ़ोटोज़ ही मिलेंगी और ये पुरानी यादों के प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है, पुरानी यादों से जितने जुड़े। तो ये है मेरा चंदन चूहा। तो मतलब देसियों के साथ साथ बीच बीच में मुझे फैंसियों का भी भूत चढ़ जाता था, तो ले आता था चंदन चूहे का। मेरे पास पूरा एक कलेक्शन था, यह नकाबपोश बहुत ख़ास तो नहीं, तो उस टाइम फैंसी के मामले में थोड़ा नया नया था। तो खैर, नया तो अभी भी हूँ फैंसी के मामले में, लेकिन जब मूड पलटता है कोई ना कोई ब्रीड लेते आता हूँ। तो ऐसे ही उस टाइम चंदन चूहा के साथ मेरे पास ये नकाबपोश था। और चंदन चूहा मेरे पास 4, 6, 8, 10 बराबर रहते थे। बाद में क्या है, मैंने खतनों से मतलब इतना क्रॉस करा, मतलब सॉरी क्रॉस नहीं, मतलब खतन में ही अपने कई कलर बनाए, तो कुछ कलर मतलब चंदन चूहे से मिलते जुलते भी आ गए। तो ये मेरा मोडेना, हाँ, जो कि मैंने उस टाइम पहली बार मेरा यूँ समझो कि चंदन चूहा और सेटिन से हट के मेरे पास कुछ बड़ा ब्रीड था मेरे लिए मोडेना। तो बहुत अपने से करीब रहता था, बिना इसको हाथ पे ही ये खाता था रोटी के अलावा, भले बाकी चीज़ें ये यूं ही खा लेता था, लेकिन रोटी अपने हाथ से खाता था, अपने हाथ पर रख के। ये लोटन, तो उस टाइम लोटन अपने लिए बड़ी नई बात थी, मतलब पहली बार देखा था लोटन। और ये अपना चंदन चूहा का जोड़, ये तो सभी को मालूम होगा सेटिनेट। और ऐसे ही सेटिनेट में कई कलर मेरे पास थे, हालांकि कईयों की फ़ोटो नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास उमर भी थे लंबे वाले, और उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंजॉय।